हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ उषा सैनी। और दोस्तों, आज की मेरी वीडियो होगी एक झोपड़ी के ऊपर। जो मैंने जो शादी के कार्ड पड़े हुए होते हैं, वेष्टी पड़े होते हैं घर में, उनसे बनाई है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिल जाए, मैं अपलोड करूँ। और अब मैं ये आपको बताऊँगी कैसे कैसे बनाई है और कितनी सुंदर लगती है दोस्तों बनी हुई। और जो हमारे पास कार्ड बने पड़े होते हैं शादी के एक्स्ट्रा, और आजकल काफ़ी सुंदर सुंदर कार्ड होते हैं जो हम इधर से उधर उनको उठा के रखते रहते हैं, यूज नहीं हो पाते और फिर हमें उनको वैसे ही फेंकना ही पड़ता है। तो उनसे हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, ये देखिए। ये क्रिएटिविटी हम अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेके वो बच्चे कर लेते हैं। और ये इनमें हम काफ़ी सामान भी रख सकते हैं, ये देखिए। और सुंदर लगती है दोस्तों रखी हुई। ये छोटे कार्ड थे मेरे पास, तो मैंने ये थोड़ी छोटे साइज में बनाई हुई है। और ये देखिए, इसमें 7 कार्ड लगते हैं और थोड़ी सी ऊन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। और जितने भी अच्छे कार्ड होंगे आपके पास सुंदर सुंदर, उतनी ही सुंदर लगेगी बनी हुई भी और रखी हुई भी। और ये बड़े कार्ड थे मेरे पास शादी के थोड़े से, तो मैंने ये बड़ी बना ली। और इनमें काफ़ी सामान एक जगह सिमटा हुआ रखा होता है और सुंदर भी लगती हैं रखी हुई। अब मैं इनको बताती हूँ कैसे बनाते हैं इसे। ये देखिए, इस तरह के जब हमारे पास कार्ड पड़े होते हैं तो हमें एक साइज के 7 कार्ड लेने होते हैं। 7 कार्ड ले लें, और ये देखिए मैंने ये 7 कार्ड एक साइज के ले लिए। तो 7 कार्ड एक साइज के लेने के बाद इनमें हमें चारों तरफ इस तरह से छेद करना होता है, चाहे हम सुई की मदद से कर लें या किसी भी टूल की मदद से कर सकते हैं। और फिर इनको 5 कार्ड तो हमें एक से एक जैसे लेने होते हैं, ये एक साइज के किसी भी तरह के आप ले लें। और 2 कार्ड हमें ऐसे इनको शेप देनी होती है, जैसे ये मैंने दी हुई है, ये यहाँ से ये ऐसे मैंने ये तैयार कर लिए ऐसे करके। और इसको हमें सुई से तैयार करना होगा पहले। और सुई से अगर ये ऊन से हम सिलते हैं तो थोड़ा मजबूती आ जाती है और सुंदर भी लगती है। ये जो आप आउटलाइन सी देख रहे हैं, इसके द्वारा ये जुड़ भी जाएगी और इसकी एक सुंदरता सी भी बड़ी रहती है ऊन से करने से। और ये जो प्लेन था एक कार्ड, उस पर मैंने ये ऊन से डिजाइन बनाया हुआ है फेविकोल से चिपका के। और कोई भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, या जैसे इस तरह से कार्ड के ऊपर होते हैं ये बने हुए, ये भी चिपका सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी हम अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के क्रिएटिविटी कर सकते हैं इसके अंदर। और ये कैसे तैयार हुई है मैं इसका तरीका भी बता देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरी वीडियो शेयर करूँगी कैसे ये बनता है। और क्योंकि टाइम लग जाता है दोस्तों, ये देखिए, ऊन से पहले इसको इन सब कार्ड को मेरे को ये करना होगा ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये सारे ही कार्ड पहले सिलने होंगे ऊन से, और फिर हमें ज्वाइंट लगाने होंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो मैं अभी ये झोपड़ी तैयार करूँगी और इसकी वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता देना, मैं पूरा तरीका शेयर कर दूँगी। और दोस्तों, हम खुद भी बना सकते हैं और बच्चों से भी बनवा सकते हैं, और बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आती है। और जो 6 से 8 क्लास के बच्चे होते हैं, हर साल उनको वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाने के लिए मिलता है, तो बच्चों से ये चीज़ें हम बनवा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो बनाते हुए देखना है झोपड़ी की पूरी वीडियो, मैं ये शेयर कर दूंगी, पूरा तैयार करूंगी इसको, तो इसकी वीडियो बना लूंगी। और आगे आने वाली वीडियो में मैं किसी दिन इसकी शेयर कर दूंगी। और आज की थी मेरी यही वीडियो, कैसी लगी
और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।